मैंने पूछा चांद से के देखा है कहीं मेरे यार साहस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक न्यू वीडियो प्रोजेक्ट, जिसे कि आप किसी के भी पिक्चर से फ्रेंड के लिए ऐसी व्हाट्सएप स्टेटस वीडियो क्रिएट कर सकते हो। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही आप लोग घंटे के आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए हम लोग एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। मैं काइंड मास्टर एप्लीकेशन ओपन कर लेती हूँ। ओपन हो गया है। इसके बाद आपको इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे हम लोग वीडियो की रेशियो को सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ से मीडिया पे क्लिक करके यहाँ पे जो आपको बैकग्राउंड पिक्चर को ऐड करनी है उसको आप लोग ऐड कर लेना। तो यहाँ पे मैं बैकग्राउंड पिक्चर को ऐड कर लेती हूँ एंड इसकी साइज को हम लोग बढ़ा लेते हैं। एंड इसके बाद इसकी पोजिशन को हम लोग ऐड कर लेंगे एंड इसको हम लोग इक्वल रख लेते हैं एंड इसकी वाइग्नेट को ऑन कर लेंगे। इसके बाद यहाँ से लेयर पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करके यहाँ पे मैं ग्रीन स्क्रीन वीडियो को ऐड कर रही हूँ। इसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग इसको वहाँ से डाउनलोड कर लेना। एंड इसको हम लोग फुल स्क्रीन कर लेंगे एंड इसके बाद आपको क्रोमा की वाले ऑप्शन पर आना है एंड इसको हम लोग एनेबल कर लेते हैं एंड इसको एडजस्ट कर लेते हैं। एंड इसके बाद फिर से लेयर पे क्लिक करके आपको इफेक्ट्स में आ जानी है एंड इसमें हम लोग ब्लर वाले इफेक्ट को ऐड कर लेंगे एंड इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं एंड सेटिंग्स में आके इसको हम लोग 4 रख लेंगे एंड इसको भी फुल वीडियो तक कर लेते हैं। यहाँ से हम लोग बैकग्राउंड को राइट साइड में ट्रिम कर लेते हैं एंड इस ग्रीन स्क्रीन वाले वीडियो को हम लोग ब्रिंग टू फ्रंट कर लेंगे एंड इसके बाद इसको हम लोग एक्सपोर्ट कर लेंगे। एक्सपोर्ट होने के बाद आपको बैक आ जानी है एंड फिर से इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है एंड फिर से हम लोग वीडियो की रेशियो को सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ से मीडिया पे क्लिक करके यहाँ पे आपको एक ब्लैक कलर की बैकग्राउंड को ऐड कर लेनी है एंड इसकी भी साइज़ को हम लोग बढ़ा लेते हैं। एंड इसके बाद यहाँ से लेयर पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करके हमने अभी जिसको एक्सपोर्ट किया उसको हम लोग इसमें ऐड करेंगे एंड इसको भी हम लोग फुल स्क्रीन कर लेते हैं। एंड फिर से आपको क्रोमा की वाले ऑप्शन पे आ जाना है एंड इसको हम लोग एनेबल कर लेंगे एंड यहाँ पे हम लोग ग्रीन कलर को ऐड कर लेते हैं एंड इसको भी एडजस्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ से लेयर पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करके आपको वीडियो में जो भी पिक्चर्स को ऐड करनी है उसको आप लोग ऐड कर लेना। तो यहाँ पे मैं पिक्चर्स को ऐड कर लेती हूँ। इसको हम लोग सेंड टू बैक कर लेंगे एंड इस फ्रेम में अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं। एंड इसके बाद जैसे ही यहाँ पे ये फ्रेम ख़त्म होगी तो इस पिक्चर को राइट साइड में ट्रिम कर लेते हैं एंड यहाँ से नेक्स्ट वाली पिक्चर को ऐड कर लेंगे एंड इसको भी सेंड टू बैक कर लेते हैं एंड इसको यहाँ पे रख लेते हैं। तो इसी तरह से आपको पूरी वीडियो में सारे पिक्चर्स को ऐड कर लेनी है एंड यहाँ पे मैंने एक और टेम्पलेट को ऐड किया था, इसको भी मैं इसमें ऐड कर लेती हूँ एंड इसको हम लोग फुल स्क्रीन कर लेंगे एंड इसको ब्लेंड कर लेते हैं। तो इसको आपको स्क्रीन कर लेना है एंड फिर से लेयर पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करके हमने जो बैकग्राउंड पिक्चर को ऐड किया है उसको हम लोग फिर से इसमें ऐड कर लेंगे एंड इसको हम लोग क्रॉप कर लेते हैं। तो मास्क को एनेबल कर लेंगे एंड इसको एडजस्ट कर लेते हैं एंड इसको हम लोग यहाँ सर्कल में अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे एंड इसको फुल वीडियो तक कर लेते हैं एंड इस टेम्पलेट वाले लेयर को हम लोग ब्रिंग टू फ्रंट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो ये वीडियो क्रिएट हो गई है। इसके बाद आपको इस शेयर वाले आइकन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आप वीडियो की साइज को सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद आप इसको एक्सपोर्ट कर लोगे तो ये आपकी फाइल में सेव हो जाएगी।
तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज़ यार आप लोग जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कर लो, और साथ ही आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि मेरी न्यू अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे न्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।